नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह। चक्रव्यूह के इस खास एपिसोड में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, केंद्र में मंत्री और दिल्ली के बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर। स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी, बहुत बहुत आपके साथ इंटरव्यू करने को मैं भी उत्सुक था। प्रकाश जावड़ेकर मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री, केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री हैं, साथ ही वन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके पास है। अतिरिक्त जिम्मेदारी के तौर पर उनके पास भारी उद्योग मंत्रालय है। ऐसे में जबकि दिल्ली में चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो हम भी तैयार हैं। इस खास पेशकश के साथ चुनावी चक्रव्यूह में आज मुकाबला करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ। जावड़ेकर जी, ऐसे वक्त आपसे बात हो रही है जब चुनावी मुकाबला ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली का, और जो प्रदर्शन चल रहे हैं देश भर में अलग अलग, हम देख रहे हैं नागरिकता कानून NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री भ्रम दूर करने के लिए बयान दे चुके हैं, लेकिन ये समाधान कैसे होगा? नहीं, ये सच नहीं है कि सब जगह विरोधी प्रदर्शन चल रहे। आपने पिछले 3 दिन में देखा होगा, कलकत्ता हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, मुंबई आज हो, या बाकी स्थानों नागपुर में हो, सभी जगह CAA के समर्थन में भी बहुत भारी विशाल रैलियां निकल रही है। पहले 2 दिन जो हुआ वो गलतफहमी कुछ लोगों ने फैला दी थी, जानबूझकर उकसाया था कि जैसे देश के मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। कोई सवाल ही नहीं है, देश के मुसलमान अपने देश के नागरिक है। आपका हमारा जितना अधिकार है देश पर उतना सबका है, कोई भी मज़हब का हो, और इसलिए उनका नागरिकता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो शरणार्थी आते हैं, कौन आते हैं? आपने कभी शरणार्थी में मुसलमान शरणार्थी आया देखा है? नहीं, क्योंकि वो इस्लामिक देश है। तो यहाँ जो शरणार्थी आते हैं, बुद्ध होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, पारसी है, तो ये लोगों को नागरिकता देने के लिए बिल है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए बिल नहीं है। ये जैसे लोगों को पता चला, पहले 2 दिन एक गलत फहमी जानबूझ के फैलाई गई, बाद में सब लोगों के मन में साफ हुआ, अभी स्थिति कंप्लीट नियंत्रण में है। हाँ, अब कांग्रेस है, बाकी आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया इस बिल का, ये बाकी दल है कम्युनिस्ट और बाकी सब अर्बन नक्सलाइट भी है, तो वो सब इकट्ठा आके उनको मोदी के खिलाफ कुछ न कुछ प्रदर्शन करना जरूरी है। इतने बड़े बड़े फैसले हो गए, 300, इसमें लोग जरा भी संशयित नहीं थे। 370 धारा खत्म हुई, लोगों ने पूरा स्वागत किया, तो ट्रिपल तलाक हुआ, मुस्लिम महिलाओं ने बड़ा स्वागत किया, राम मंदिर का मसला शांति से सुलझ गया। तो ऐसे सब मुद्दे होते के बाद उनको बहुत पेट में दुख रहा था कि कुछ न कुछ तो मोदी के खिलाफ करना है, इसमें थोड़ा अवसर दिखा और एक गलत फहमी पैदा करी, लेकिन 2 ही दिन चली, बाद में नहीं चली। आपने गलत फहमी की बात की है, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि गलत फहमी सरकार की ओर से थी, बयान अलग अलग आए हैं। और डिटेंशन सेंटर की बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं है, गृहमंत्री ने कहा असम में है, जगह मालूम नहीं है, तो ये विरोधी थोड़ा बयान ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कोई बयान का विरोध नहीं है, समझ ले। डिटेंशन सेंटर पहले तो कोई मोदी सरकार ने तैयार नहीं किया, ये तो UPA सरकार का है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर UPA सरकार का है, हम तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आधार उन्होंने शुरू किया, उसको 130 करोड़ लोगों ने अभी लिया, तो हमने केवल प्रसार किया। उन्होंने 11 राज्यों में फूड सिक्योरिटी चलाई थी, हमने सभी राज्यों में चलाई। 80% देश की जनता को आज 2 रुपये में गेहूं और 3 रुपये में चावल मिलता है। ये मोदी सरकार की विकास की राजनीति है। आप NPR का आपने जिक्र किया है, और ये सवाल बेहद लाजमी, क्योंकि जब CAA बिल का विरोध हो रहा था, NRC एक्ट का विरोध हो रहा था, इस बीच आपने NPR को अपडेट जानकारी के साथ लॉन्च कर दिया, आपने ये क्या खास रणनीति आपकी रही या इसके पीछे क्या सोच है? पिछले 2010 में NPR हुआ, जिसमें पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, 6 महीने यूजुअल रेसिडेंट जो है उनकी जानकारी आती है और उनको कार्ड मिलता है, वो पॉपुलेशन रजिस्टर है। और 2010 में जब UPA ने लॉन्च किया, तब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कार्ड का वितरण किया, तो ये उनकी पहल थी जो ठीक है, तो हमने चालू रखी। और सेंसस और इसको एक साथ करने से श्रम बचता है, पैसे बचता है, और डबल 2 बार जाना नहीं पड़ता,
इतना ही मुद्दा है। सेंसस में 100 साल से चल रही है सेंसस, और उसमें बहुत तरीके से जो सारी जानकारी ली जाती है वो वैसे ही है, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री में तो कम जानकारी है और बहुत सारे ऑप्शनल है। समझो माता पिता का ये पूछा है जन्म तिथि, तो नहीं मालूम है तो कोई देने की कंपल्सन नहीं है, मोबाइल फोन है, नहीं देना है तो नहीं दे, ऐसा बहुत सारे ऑप्शनल भी है। आप कह रहे हैं विपक्ष गलतफहमी पैदा करता है, और हम देख रहे हैं कि NPR जिस तरीके से लाया गया है, आपने इसका स्पष्टीकरण जितने जोर शोर से दिया, गृहमंत्री ने खुद बयान दिया, उतना CA बिल को लेकर, NRC को लेकर नहीं, और इसलिए विरोधी NRC एक्ट के साथ NPR को जोड़कर देख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ये गलत है, तो इसके बारे में ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो अलग चीज़ है, उसमें नागरिकता के प्रमाण देने होते हैं, यहाँ एक भी प्रमाण नहीं, एक भी कागज नहीं, जो जनता कहे वही सही, ये है आधार NPR का। और जो सिटीजनशिप रजिस्टर होता है पूरी दुनिया में है, हर देश में होता है, अपने अपने सिटीजन की सूची तैयार करके लोग रखते हैं और वो अपडेट करते रहते हैं, लेकिन अपने यहाँ नहीं है, तो ये अभी नहीं है सिटीजनशिप रजिस्टर, ये तो जो हो रहा है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जनसंख्या का एक रिकॉर्ड है अलग तरीके का, और सेंसस में जनगणना होती है, कितने लोग इस देश में है, कौन क्या व्यवसाय कर रहा है, बहुत सारे आयाम, कौन बेरोजगार है, कौन रोजगार है, कौन क्या काम करता है, ये सब उसमें पूछा जाता है, सामाजिक वर्ग क्या है, ये सब उसमें है, इकोनॉमिक सोशल सर्वे एक तरह से वो होता है, वो बड़ा होता है और हर साल वही होता है, हर 10 साल के बाद। चलिए ये तो आपका जवाब था, और हम जानना जरूर चाहेंगे, जब इस बीच चुनावी मुकाबला झारखंड में हुआ, उससे पहले हमने महाराष्ट्र में देखा, बड़ा उलटफेर देखा वहाँ पर, और झारखंड का चुनावी मुकाबला, क्या राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित रहा है ये? नहीं, पहले तो समझ लेना हरियाणा में हमारी सरकार बनी, महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन को बहुमत मिला, बहुमत से भी ज़्यादा 16-17-18 सीटें आई, तो हमें तो बहुमत मिला, लेकिन हमारा एक पार्टनर सीधा मोदी का फोटो लगाकर जीतने के बाद पलट गया, तो ये राजनीति में विश्वासघात की भी हद होती है, वो करके दिखाई शिवसेना ने, तो ये विश्वासघात की राजनीति चली, और इसलिए वहाँ BJP पराजित नहीं हुई, विजयी हुई। झारखंड में BJP के वोट बढ़े, लेकिन अभी विश्लेषण का बाकी है, लेकिन एक साफ दिखता है कि पिछली बार हमारे साथ पार्टनर था, इस बार नहीं था, AJSU और नहीं था, और दूसरा उनके अलग अलग लड़े थे, इकट्ठा आते, तो इस गणित का तो उपयोग होता ही है। लेकिन हमने देखा झारखंड में राष्ट्रीय मुद्दे, खास तौर से नागरिकता कानून की बात करें, NRC की बात करें, ये काफी हावी थे, नहीं तो कहीं ना कहीं ये चले नहीं, ये कार्ड चला नहीं। एक मिनट, हमारा हमेशा मुद्दा विकास ही रहता है किसी भी चुनाव में, और उस प्रदेश के लिए हमने क्या किया यही आता है। लेकिन न्यूज़पेपर, मैं भी समाचार पत्रों से संबंधित रहा हूँ, तो समाचार पत्र के लिए विकास की कितनी बातें करें वो न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा जो अभी टॉपिक चल रहा है उसकी अगर कुछ बोलेंगे तो वो न्यूज़ है, इसलिए वो समाचार पत्र में ज़्यादा आता है, लेकिन एक्चुअली BJP के वोट बढ़े हैं। लेकिन दिल्ली के चुनावी मुकाबले की बात करें, क्या स्थानीय मुद्दे इस पर रणनीति बदलेंगे आप, क्योंकि झारखंड के सबक के बाद आपको लगता है कि यहाँ रणनीति बदलने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा है, हर राज्य में हमारा मुद्दा विकास ही है, विकास बनाम विनाश, क्योंकि जिस तरह का झूठ परोसा दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली सरकार में जो पार्टी बनी है उन्होंने किया, उसका लोगों को पता चला। लोग पिछली बार समझ रहे थे कि अरे कोई क्रांतिकारी हीरो आया है, वो अन्ना हजारे की पुण्याई थी, तो अन्ना हजारे के काम के कारण, पवित्रता के कारण सबको लगा कि ऐसा ही कुछ आ रहा है, और जन लोकपाल बिल की उन्होंने बात की, अभी 5 साल में जन लोकपाल का नाम भी नहीं लिया, तो वो भी नहीं किया। और दूसरी बात है कि पहले कहा था भाई हम ये नहीं करेंगे, बंगले नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, VIP कल्चर नहीं लेंगे, लोगों को लगा भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आज भ्रष्टाचार के आरोप में उनके मंत्री भी, उनके विधायक भी और उनके कार्यकर्ता भी जेल में जाते हैं या उन पर मुकदमे हैं, तो ये स्थिति है, तो लोगों की घोर निराशा हुई। तो वो जो रोमांटिक हीरो का एक टैग 2015 में उनके पास था, वो खत्म हुआ कब का?
आप कह रहे हैं कि ये स्थानीय मुद्दों को यहाँ पर तवज्जो देगी आपकी पार्टी, खासतौर से हमारा मुद्दों के साथ। हमारा मुद्दा विकास होगा, देश का विकास, प्रदेश का विकास, और दिल्ली में हम कहेंगे कि विकास का ट्रिपल इंजन चलना चाहिए। केंद्र में हमारी सरकार है, नगर निगम में हमारी सरकार है, जिसको काम करने नहीं दिया दिल्ली सरकार ने। हर साल 1500 करोड़ रुपए विकास के लिए जो उनको हम देते या उनकी आय होती है उसमें जो देना है वो नहीं दिया। 7500 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं चरमरा गई दिल्ली सरकार के कारण। तो ये मुद्दे यहाँ है, और अब हम कह रहे हैं कि केंद्र में भी है, नगर निगम में है, अब राज्य की भी सत्ता दे दो, तो तीनों मिलकर साथ चलेंगे और एक विकास होगा। क्योंकि अब देखो, देश भर में 1 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला, लेकिन दिल्ली में नहीं मिला एक को भी। क्यों? क्योंकि ये योजना दिल्ली सरकार ने लागू नहीं की। आपने देखा होगा आयुष्मान भारत में आज 70 लाख लोग देश भर में पिछले 9 महीने में वो इलाज ले पाए, और 5 लाख तक का इलाज उनका मुफ्त हुआ। लेकिन ये योजना दिल्ली में नहीं लाई, क्योंकि दिल्ली सरकार ने नहीं लाई। दिल्ली कैसी है विकास के विरोधी, मेट्रो का 4th फेज शुरू करना था, 2 साल फाइल पर बैठे रहे, परमिशन नहीं दिया। मेट्रो के लिए जो कंट्रीब्यूशन राज्य को देना है वो नहीं दिया, आखिर कोर्ट को डांटना पड़ा। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे किया, 17000 करोड़ केंद्र ने लागत लगाई, इससे 60000 ट्रक जो आते थे और प्रदूषित करते थे दिल्ली को वो खत्म हुआ। लेकिन जो पैसे राज्य सरकार को देने थे वो नहीं दिए, और इसलिए ये सारी समस्या, सब चित्र हम बताएंगे साफ तरीके से, आप ये जनता तक लेकर जाएंगे। लेकिन केजरीवाल तो ये कहते हैं कि उनको काम करने नहीं दिया केंद्र सरकार ने, ऐसा उनकी फाइल लटकाई। पहली बार ये कह रहे हैं कि एमसीडी में उन्होंने काम करने नहीं दिया। एक मिनट, मुझे एकदम सिंपल सवाल है कि पिछले 3 महीने में तो एकदम जाग गए, 6 महीने 4.5 साल सो गए, तब कहते थे कि मोदी सरकार काम करने नहीं दे रहा है। तो पिछले 6 महीने में हमने क्या बदला कि जिसके के लिए अभी निर्णयों के बाद निर्णय कर रहे हो? क्योंकि आपका इरादा ही पक्का था कि 5 साल कुछ नहीं करना है, 6 महीने में करना है, और 31 मार्च तक का ही उसमें सबके तिथि है। बिजली का बिल भी देखो या पानी का भी देखो, सब में 31 मार्च तक ये है, यही लिखते हैं। तो ये दिल्ली का सरकार का मतलब झूठ, और झूठ को परोसना यही काम है। इस बार झूठ नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि बिजली बिल को आधा करेंगे, पानी का बिल माफ़ करेंगे, और जो भी समस्या है कच्ची कॉलोनी का विकास करेंगे, तमाम मुद्दे। और उन्होंने कच्ची कॉलोनी जारी किया है, उन्होंने कच्ची कॉलोनियां, रिपोर्ट कार्ड का तो भी काट है, और वो तो हम आरोप पत्र लगा रहे हैं क्या क्या 70 वादे किए और कैसे नहीं पालन किए। लेकिन कच्ची कॉलोनियां तो जो अनऑथराइज है उनका तो अनऑथराइज दाग जो 40 साल चला, और पिछले 5 साल से हम दिल्ली सरकार के पीछे पड़े थे कि भाई सर्वे तो करो और कम से कम ऊपर से नक्शे तैयार करो। उन्होंने नक्शे तैयार करने का काम भी नहीं किया। हमने नक्शे भी डाले पोर्टल पर, और रजिस्ट्रेशन भी पहला फॉर्म भर के शुरू हुआ। अब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज अनधिकृत कॉलोनियों को हमने काम दिया, काम किया झुग्गी झोपड़ियों का, 192 झुग्गी झोपड़ियाँ है, झुग्गियाँ, तो उन झुग्गी बस्तियों में लाखों लोग रहते हैं, और उनका सर्वे ही नहीं किया था किसी ने, वो हमने पूरा किया। अभी लगभग 60 कॉलोनियों का पूरा हुआ, बाकी भी काम चल रहा है। तो सर्वे DDA कर रहा है, जहाँ झुग्गी वही मकान, ये हमारा बड़ा कार्यक्रम है। और क्योंकि प्रधानमंत्री आवास जो अब DDA लागू करेगी, प्रधानमंत्री आवास दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया लेकिन DDA है, तो अब DDA लागू करेगी और लाखों लोगों को उनके अधिकार का 2 रूम का फ्लैट अच्छा मिलेगा, ये होने वाला है। प्रकाश जी, ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की ओर से अनधिकृत कॉलोनियां जो है, कच्ची कॉलोनियां, वो एक बड़ा मुद्दा चुनावी रहेगा, और इसलिए प्रधानमंत्री ने जो रैली की रामलीला मैदान में उसका जिक्र भी किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर कैंपेन शुरू किया है, वो कच्ची कॉलोनियों में विकास तो उन्होंने किया है, सीवर उन्होंने पहुँचाया, पानी उन्होंने दिया, बिजली उन्होंने दी, ये तमाम वो चीज़ें गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि विकास उन्होंने किया है। लोग समझते हैं कि विकास किसने किया, किसने रोका, और झूठ कौन बोल रहा है, और इसलिए
हमने 10 लाख दुकानदार जिनको आज फ्री होल्ड नहीं था और लीज पर या उस पर रहते थे डॉक्यूमेंट पर पावर ऑफ अटॉर्नी, आज बदल गया और उनको फ्री होल्ड दे दिया। हमने घरों में जो उद्योग चलते हैं उसमें 11 वाट किलोवाट और 9 मजदूरों तक ये अलाउ किया। आज उनको तीन तीन परमिशन लेके उसमें जो कुछ गलत प्रथाएं थी वो सब खत्म हुई, वो परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो समाज के सभी वर्गों के लिए इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और हम देंगे। सभी मंत्रालयों ने दिल्ली के लिए पिछले 5 साल में क्या क्या किया और दिल्ली सरकार ने उसमें रोड़े कैसे अटकाए, ये हम पूरा खोलेंगे खाता। दिल्ली में चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है, ऐसे में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी सस्पेंस अभी तक पार्टी ने साफ नहीं किया है। नहीं, ऐसा है, हर राज्य में अलग रणनीति होती है, कहीं हम चेहरा लेकर लड़ते हैं, कहीं चेहरा नहीं बताते। सारी टीम बीजेपी के हमेशा एक साथ काम करती है और बाद में मुख्यमंत्री का चयन होता है। तो दिल्ली के बारे में हम क्या करेंगे ये भी आपको जल्दी पता चलेगा, लेकिन अभी हमने कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। तो क्या बिना चेहरे के आप चुनाव में जाएंगे? ऐसा है, ये मैंने कहा, वैसे रणनीति होती है हर राज्य के लिए और वो हम वैसी ही करते हैं। और बीच में मनोज तिवारी का नाम उछला था लेकिन बैकफुट पर आई पार्टी। ऐसा है, मनोज तिवारी एक हमारे अध्यक्ष है और लोकप्रिय कलाकार है और अच्छे सांसद है, तो वो इसलिए सब जगह घूमते हैं, तो उसका नाम आना उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी पार्टी ने कोई उम्मीदवार या कोई अभी तय नहीं किया है। तो ये मानकर चला जाए कि चुनाव जो है सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी बीजेपी? तो पार्टी हमेशा ही, हमारी सामूहिकता ही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। ऐसा है, मैंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी में काम सामूहिकता से ही होता है, अलग अलग गुटों में नहीं बंटी है पार्टी, एक साथ काम करते हैं, एक दिल से काम करते हैं। और इसीलिए मोदी जी को आज जो जबरदस्त सफलता बीजेपी को मिल रही वो उसी का कारण है। लेकिन आपने जब ये जिक्र करते हैं, आप मोदी जी का जिक्र करते हैं, तब केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में तो मुख्यमंत्री चेहरा वो है लेकिन बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री मोदी जी नहीं बनेंगे, वो तो प्रधानमंत्री हैं। एक वास्तविकता ये है कि हमें 56, अभी 4 महीने पहले चुनाव हुआ, 56% वोट हमें मिले, 26% वोट कांग्रेस को मिले, 16% वोट आम आदमी पार्टी में हुए। अब एकदम उल्टा तो नहीं होता? तो ये 5-10% का फर्क होता है हमेशा, तो हमारे वोट बल्कि बढ़ेंगे और इस बार पूरा का पूरा ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि लोगों को अब विकास चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं चाहिए, झूठ परोसने वालों से लोगों को नफरत है। पिछली बार आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली और इस बार भी वो दावा कर रहे हैं प्लस रहेंगी इस बार भी, तो क्या उसके काट के लिए क्या रणनीति? अच्छा है, उन्होंने 70 से ज़्यादा मिलेंगे ऐसा नहीं कहा, क्योंकि 70 ही सीटें हैं। जो भी कहना है, क्लेम कोई भी करे, वास्तविकता जनता के मन में क्या है उस पर निर्भर होता है और लोग सोच समझ कर देते हैं। अपने देश में सामान्य लोग जिस तरह से विचार करके वोट देते हैं वो देखने लायक होता है, और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी और निश्चित दिल्ली में सत्ता पलटेगी। ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होता है, तब तो आम आदमी पार्टी से सीधा मुकाबला होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा उसका, अगर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो इस चुनाव में कांग्रेस की चुनौती को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा है, कांग्रेस ने खुद खड़ा रहना है, हम क्या कर सकते, तो उनकी पार्टी उनको चलाना है या नहीं है। अभी उन्होंने जैसे महाराष्ट्र में किया कि सेकंड नहीं थर्ड भूमिका ले ली और शिवसेना को मुख्यमंत्री बन दिया, अपने सारे जो आइडियोलॉजिकल मतभेद थे वो समाप्त करके, तो कांग्रेस क्या करेगी ये कांग्रेस तय करेगी। लेकिन अभी जिस तरह से घटनाक्रम है तो कांग्रेस पर हम कैसे कमेंट करेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस लड़े या न लड़े, हम विजयी होंगे सीधे मुकाबले में भी। और अगर केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल जो योजनाएं चला रहे हैं खासतौर से फ्री पॉलिटिक्स की बात करें, वो फ्री हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं, फ्री वाईफाई की बात वो वादा वही बता रहे हैं, तो ये जो रणनीति है उनकी, इसके लिए आपके पास क्या ऐसा है, इसका प्लान आज है?
2000 रुपये में कोई अपने घर का अनऑथराइज का दाग मिटा के ऑथराइज होता है, उसको कर्जा मिलने लगता है, उसको बढ़ाने का अवसर मिलता है, उसको विकसित होने का अवसर मिलता है। ये 1 लाख 2 लाख रुपए का है, ये 200 यूनिट और इसका महीने का 500 रुपये का फ़ायदा है और 4 महीने ही मिलने वाला है। लेकिन ये जो है हम दे रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग फ़ायदा है। और ऐसे बहुत सारे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होना, या जहाँ झुग्गी वही मकान होना और इतने सस्ते में मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है जिस तरह से लैंड पुलिंग हुआ है, नया अफोर्डेबल हाउसिंग भी दिल्ली में आएगा, वो भी आज बाज़ार में जिस कीमतों से फ्लैट मिलते हैं, आगे झुग्गी झोपड़ी न हो, झुग्गी झोपड़ी में किसी को रहना न पड़े, इसके लिए उनको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, वो भी लैंड पुलिंग के द्वारा मिलेगा। आप पर्यावरण मंत्री भी हैं और केंद्र में जब पर्यावरण की बात आती है तो केजरीवाल सरकार आरोप लगाती है कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठाती। इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं। उल्टा ये है कि दिल्ली में मेट्रो का विकास अटल जी ने शुरू किया और मोदी जी ने उसको चरम पर पहुंचाया। पिछले 10 साल जब यूपीए का सरकार था, हर साल 10-12 किलोमीटर बनती थी, अब हर साल 25-30 किलोमीटर से ज़्यादा बन रही है। आज 300 लगभग स्टेशन हो गए, 312-315 किलोमीटर उसकी रेलवे का है, 40-50 लाख लोग रोज प्रवास करते हैं। पर्यावरण पूरक की इतनी बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनी है, उसमें जो राज्य सरकार को हिस्सा देना था वो भी नहीं दिया, और उसके 4th फेज का 2 साल जो लंबित हुई, देरी हुई, वो उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है, और दिल्ली सरकार को देश की दुनिया दिल्ली के नागरिकों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा ही जो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हुआ, 17,000 करोड़ खर्चा हुआ, दिल्ली सरकार को जो पैसा देना था नहीं दिया, फिर भी हमने काम पूरा किया, और आखिर कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि दिल्ली सरकार तुरंत 1,000 करोड़ तो कम से कम भर ले। तो ये स्थिति है। तो दिल्ली सरकार विकास नहीं करती, विकास मोदी सरकार करती है, ये लोगों को पता चले। प्रकाश जी, इतने मुद्दे आपने गिना दिए, लेकिन अगर बीजेपी के पास इतने तमाम मुद्दे हैं तो क्या वजह है कि बीजेपी इनको इतने जोर शोर से नहीं उठा पाई? गुटबाजी को वजह मानते हैं आप? गुटबाजी पार्टी में, अभी प्रदेश में इसकी चर्चा होती है। चुनाव अभी तो घोषित होना बाकी है, होने दो, लड़ाई सामने है और हम पर्दाफाश करेंगे। जो मुख्यमंत्री 26 जनवरी के परेड को विरोध करता है, जो देशभक्ति का सबसे बड़ा दिवस होता है, उस परेड को धमकी देकर रोकने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा कोई देश में उल्टा काम नहीं हो सकता। जो लोग देशद्रोही नारे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और भारत जिंद जंग चलेगी जंग चलेगी भारत के बर्बादी तक, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे जो देशद्रोही नारे लगे उसका समर्थन करते हैं, और इसीलिए उन पर मुकदमा दायर करने की फाइल 3 साल दबा के बैठते हैं, नहीं परमिशन देते। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और ये निकलेंगे, क्योंकि लोगों को चरित्र समझता है ना, भाई आप किसके पक्ष में खड़े हो फाइनली। लेकिन आप अपनी पार्टी की गुटबाजी पर क्या कहेंगे? नहीं, गुटबाजी नहीं है, हमारे यहाँ एक अनुशासन, एक सिस्टम का थोड़ा सा के बीच में व्यवस्था थोड़ी सुधारी तो एकदम ठीक हो गया, कोई मुद्दा नहीं था। अब चुनाव जब ज़्यादा दूर नहीं है, वो कौन से बड़े वादे हैं जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर, चुनाव प्रभारी के तौर पर आप दिल्ली की जनता से करेंगे? वो आज मैं नहीं बताऊंगा, हमारा संकल्प पत्र घोषणा पत्र आएगा और उसमें दिल्ली के विकास का पूरा नक्शा होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो केजरीवाल कह रहे हैं, वो फ्री पानी की बात हो, आधे बिजली बिल की बात हो, अभी तो 2-3 महीने से 0 बिल भी आ रहे हैं लोगों के, तो ये जो पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की है, पांच साल क्यों नहीं किया? लोग तो यही पूछेंगे, आखिरी 5 महीने में क्यों जागे, 5 साल क्यों चुप रहे? एक और दूसरा बात है कि पानी लोग तो ले रहे हैं कि 40-40 रुपये लोगों को खर्चा करने पड़ रहा है, जिनके पास RO नहीं है या प्यूरिफायर नहीं है, रोज पीने के लिए पानी पी के दिखाइए यहाँ का, जगह जगह बस्तियों में और झुग्गियों में। वो तो कहते हैं कि साजिश हुई थी उनके साथ पानी के सैंपल को लेकर, जो राजनीति। देखो, BIS ये दुनिया में मानी हुई संस्था है, वो सभी शहरों में काम करती है, और
कोई शहर में कौन राज्य करता है उस पर नहीं निर्भर होता है उसका रिपोर्ट, लेकिन यही छोटी टुच्ची राजनीति करना जिनका धर्म है वो कोई काम नहीं कर सकता। और दिल्ली के चुनावी मुकाबले से पहले जिस तरीके से नजरें लगी हैं केंद्र सरकार की योजनाओं पर, उनको लोगों तक पहुंचाने की मंशा के साथ, तो आप कौन सा बड़ा वादा, एक दो वादे ऐसे बता दीजिए जो दिल्ली की जनता को भरोसा हो जाए। ऐसा है, दिल्ली को शाश्वत विकास, दिल्ली की जनता का सही कल्याण जैसे हमने करा, अनाथरा इसका दाग मिटाया, उनको सबको मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया। फिर दूसरी चीज़, झुग्गी झोपड़ियों के सर्वे होकर उनको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगी, आयुष्मान भारत योजना लागू होगी, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उसमें लाभ मिलेगा, और बाकी व्यापारियों की भी जो बहुत सारी समस्याएं थी वो फ्री होल्ड हो रहा है, और 81 गांवों को शहरीकृत दर्जा मिला है, तो बहुत सारे काम हुए हैं और आगे भी कुछ। लेकिन आज आप कितना भी पूछोगे तो मैं संकल्प पत्र में क्या कहने वाले दिल्ली को पूर्ण नहीं बोलेंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग लंबे समय से हो रही है, वो जो है हमारे संकल्प पत्र का। आप एक ही बार मेरा इंटरव्यू थोड़ा ही करोगे, आप तो बार बार आओगे, आपसे मिलेंगे। हाँ, तो मिलेंगे तो हम देंगे जवाब। और ये भी जानना चाहेंगे कि टिकट फार्मूला क्या होगा, क्योंकि आप सेनापति हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं। ऐसा है, टिकटों में हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक परंपरा है, हम टिकटार्थी है उनको कहने का अवसर देते हैं, हम जो वहाँ विधानसभा में प्रमुख कार्यकर्ता है उनकी राय पूछते हैं, रायशुमारी करते हैं, अलग अलग फॉर्म में करते हैं लेकिन करते हैं, और सर्वेस भी होते हैं और बाकी भी पॉलिटिकल असेसमेंट होता है, उस सब के आधार पर ये निर्णय होते हैं। इसमें कोई पक्षपात या मेरा अपना तुपना ऐसा नहीं होता है, तो ये एक मेरिट से हम काम करते, इसीलिए तो पार्टी चली इतनी और बढ़ी। और चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जबकि 2014 में जब आपकी सरकार बनी थी, मोदी सरकार पहली बार आई थी, तब कई राज्यों में आपने जीत का सिलसिला दोहराया था, दिल्ली में थम गया था विजयरत, और अब जब 19 की बात करते हैं तो फिर थोड़ा बदलाव देख रहे हैं, महाराष्ट्र में उलटफेर, झारखंड में हार, अब दिल्ली का चुनाव, थोड़ा असर देखेंगे। मैंने कहा वैसे महाराष्ट्र में तो हम जीते हैं, हमारे पार्टनर ने विश्वासघात किया उसके कारण वो हुआ है, इसलिए हम हारे नहीं है महाराष्ट्र के। झारखंड में हम जैसे कहा, हम दो पार्टनर मिलकर लड़ रहे थे, इस बार नहीं लड़ी, ये एक बड़ा कारण दिखता है, या बाकी भी विश्लेषण होगा। हर राज्य का चुनाव अलग होता है, हर चुनाव अलग होता है, और इसमें दिल्ली में इस बार झूठ बनाम सच्चाई यही लड़ाई होगी और हम जीतेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बहुत अच्छा। ये थे प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के बीजेपी प्रभारी। हमने उनसे जानने की कोशिश की है, दिल्ली में जबकि चुनावी बिगुल बजना है और कभी भी बज सकता है, उससे पहले बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी के सेनापति होने के नाते उन्होंने क्या सोचा है, क्या खाका फिट किया है, और उस आधार पर वो आम आदमी पार्टी से सीधा मुकाबला करेंगे, और कांग्रेस का त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की जो चुनौती रहेगी उसको कैसे बीजेपी पार पाएगी, इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमने उनसे चक्रव्यूह में जाना है उनकी रणनीति को। बाकी इस एपिसोड में आज इतना ही, फिर नए शख्सियत के साथ मुलाकात होती है आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मेरी पूरी टीम के साथ नमस्कार।